नित्या जी नमस्कार, क्या हाल है आप सबका। स्वागत है जी फिर एक नए व्लॉग में। तो भाई फिलहाल टाइम इतना हो चुका है कि पापा जी खाना पीना कर करा के सब फ्री हो चुके हैं और बस इंतजार है आप लोगों के वहां जाने का और पापा के मिलने का। फिर पापा जी निकल रहे हैं ऑफिस। और मैं तुम्हें बता दूं, कुकू और मम्मी का तो वही है भाई, बाहर ही लगे पड़े लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कुत्ता घसीटी मचा रहे हैं। तो फिलहाल मैं चलती हूँ और तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। सीताराम गाइस, आपका दिन बहुत ही शुभ हो और आपका दिन सुंदरकांड की एक नई चौपाई से मैं शुरू करता हूँ। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे हु बलवाना, पवन चंतन बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान विदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भाई वाह, आप सबका दिन आज बहुत शुभ होगा। आप लोग नोट करना और कमेंट में बताना जरूर। बहुत अच्छा गाया, बस थोड़ा सुर में और होता ना। आप कमियां निकालो, जाओ जाओ जाओ, ये भूत की चोटी। भगवान जी के भजन में भी सुर चाहिए। क्या है ये, भगवान जी के भजन में भी तुम्हें सुरतान चाहिए? लो सुरतान। मेरी आंखें गिरा दी। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। अच्छा आया मजा मम्मी सुबह सुबह? अभी मैं चाहती नहीं कुट के ऑफिस जाऊं। मैं लगाऊंगी अपने हाथों से, पत्नी के हाथ से मास्क लगा के जाओ ना तो पति हर विपदा बलाओं से बचा रहता है। अरे क्या है ये। एक मास्क और मिलेगा यहाँ और लगा दी। चलो देर हो रही है यार, मम्मी हम चार चल भी दिए। हाँ तो मार नहीं सकते ना लोग में, वरना देते बुट देंगे ये मुझे। बाय। तो जी गाइस, फिलहाल 3:20 हो रहे हैं। मेरी एडिटिंग जस्ट अभी खत्म हुई है, व्लॉग डाल दिया है, लाइव 6 चला जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं, जब से मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मतलब कितना टाइम हो चुका है, तब से कुक्कू बैठ के अपनी एक टेबल पे ड्राइंग बनाई जा रही है। और वो क्या है वो मैं तुम्हें चल के दिखाती हूँ। अब दिखा दो बेटा, अब दिखा दो तुम क्या बना रही हो। ड्राइंग नहीं, ड्राइंग पुरानी तो बन गई। वाह भाई, ये है तू। मैं हूँ ये? हाँ। ऐसी कब से हो गई मैं भेंगी। मैं कुक्कू जी तैयार हो चुके हैं क्योंकि हम कुक्कू के काम से जा रहे हैं। थोड़ी तो कुछ दिखा दे एक्साइटमेंट गंवार। वो खुश होके जा रही है क्या? वो तो बेचारी से उसको तो जबरदस्ती जाना पड़ रहा है। तो सिर सीन पूंछ हर जगह दर्द हो रहा है। पागल, ये भी जरूरी है। तो जी टाइटल और थंबनेल से तो तुम समझ ही चुके हो, हम जा रहे हैं कुक्कू की हेयर कट के लिए। फाइनली आज वो दिन आ चुका है। मुझे ये पूछना है कुक्कू से, कितने साल के बाद जा रही थी? लॉकडाउन कोरोना में तो तू कभी गई नहीं, मेरे को भी 4 साल हो गए। 3 साल हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए मम्मी। उससे पहले जब मैं इंदौर में थी तब भी तो 4। इतने ही बढ़ पाए बस, मार खाती जाएगी। अरे ये तो बहुत ढीले हैं गाइस ये। तो घर आने से पहले भाई मम्मी के लिए लाने पाव दही बस। तो फिलहाल निकलते हैं, हम जा रहे हैं भैया सनी भैया के पास क्योंकि वो यहाँ के लिटरली बेस्ट है। मेरे पास तो मेरे पाँव हैं, तुम अपने पाँव क्यों? ओहो। मेरे को बहुत तेज गुदगुदी हुई है अभी, अपनी नाक यहाँ रख के हंस रही थी वो। पागल नाक पोंछ रही थी। छी। ओके तो हम जा रहे हैं भैया क्या है बियॉन्ड द मिरर, वो बहुत अच्छे सैलून है। तो हम आ जा रहे हैं, आपको सीधे वहीं मिलते हैं। बाय बाय बाय, आते हैं हम थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली मैं बाल कटवाने आ चुकी हूँ, बहुत टाइम बाद अपने बाल कटवा रही हूँ। और मैं ये बोलूंगी मैं एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि दिख रहा है क्योंकि मेरे लंबे बाल है और लंबे बाल किसको पसंद नहीं होते। तो और मेरे नीचे ना जो बाल है वो नीचे से घास जैसे। मैं दिखाती हूँ गाइस, ये देखो जरा घास, ये तो लग रहा है यहाँ लगा दूं जाके, ये ज्यादा सॉफ्ट होगी। बहुत बेइज्जती जाती है भाई। और ये देख यार, मेरे को जिम की इतनी याद आती है ना यहाँ पे। चली तो मैं आऊँ लेकिन फिर मेरे हार्ट को कौन संभालेगा अगर कुछ हो गया। नहीं यार ये मजाक से हटके गाइस, मजाक से हटके, जिम वाली बात खैर छोड़ो। तो यहाँ पे जो अंदर है ना सनी सीजर, तो जी हम वहाँ आए यार।
सनी भैया से पहली बात हो गई थी, वो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके बेस्ट मैन आर हेयर टू वर्क, कार्तिक भैया और सूरज भैया शायद, तो शायद उन्हीं से करवा रहे हैं। थक गए यार, क्या ही जिम आऊंगी मैं। तो फिलहाल इसका कुकू का प्रोसीजर शुरू होता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। वॉश की नीड पड़ेगी, ये देख रहे हो आप। हाँ तो जी गाइस, अनन्या के बाल काफी ज्यादा स्टिकी हो रखे हैं, पता नहीं कौन सा ग्लू लगाया था। तो भैया जस्ट टोल्ड अस कि हाँ भैया कर लो आप, वॉश की भी रिक्वायरमेंट है। चलो जी, गाइज यहाँ लेट के इतना मज़ा आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि मैं सो जाऊँ। हाँ तो बिल्कुल सो जाओ, हम उठा देंगे। तो गाइज फाइनली हेयर वॉश हो चुका है और अब बारी है मेरे बाल कटने फाइनली। चलो पूरे डेड हेयर निकल गए। हाँ अब पीछे से बहुत ज्यादा अच्छे लगे। ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए? नहीं यार, जितने दिखाए थे उतने ही है। जितने दिखाए थे उतने ही किए। हाँ और उससे भी कम ही किए। कुकू जी देख लो, फाइनल रिव्यू टाइम। आया मजा? नीचे से देख गाइज, अब देखो अब ये घास नहीं रही, अब ये बाल कह सकते हैं इसे। थैंक यू भैया। खुशी अच्छा लग रहा है ना, दिखाओ तो जरा ऑडियंस को भी। ये देखो गाइस कैसी आई थी कुकू और कैसी जा रही है। अच्छा। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है जी, फ्रॉम ग्रास टू हेयर। चलो जी, थैंक यू। तो जी फाइनली कुकू के इस प्यारे से ट्रीटमेंट के बाद हम फ्री हो चुके हैं हेयर कट के बाद, और मेरी वॉक आज छूट चुकी है ऑल थैंक्स टू। मेरे बाल क्यों खींच रही है भाई? और अब मैं बता दूं, हम दोनों के बालों की लेंथ एक हो चुकी है। शिट। तो अब मैं कुकू कुछ फ्लैक्स नहीं कर सकती अब। नहीं, मेरे ज्यादा लंबे अभी भी। तो जी फिलहाल सब कुछ हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर, और आपको सीधा घर पे घर नहीं सामान लेना है अभी। थैंक यू गाइस, पाव लेने आ गए हैं, एक बड़ा पैकेट और एक छोटा पैकेट ले लिया है। तो जी गाइस घर आ गए, सारा काम हो गया है। चले जी, क्या हो गया? पागल डराती भी है मेरे को। कर दिया लाइट ऑफ कर दे, मम्मी डर जाएंगी। छोड़ भाई तू, चल। तो जी गाइस ऊपर आ गए, मम्मी को बुलाया। कुकू ऐसे उल्टा मत खड़ो ना, अभी पीछे से दिखाएंगे। मम्मी को मम्मी नहीं बुला लिया, आपकी कुकू आ गई है परकटी होके। कट गए, कट गए, कुकू का कट गया, बाल कट गया। ओ भाई अब अच्छे लग रहे हैं। अब मम्मी कितने ऐसे लग रहे हैं ना, बिल्कुल घास नहीं है ये, देखो गाइस। सही में नीचे से अच्छे हो गए कुकू, और अब बढ़ेंगे भी जल्दी, नीचे से ये मरे हुए बाल निकल। देखो कुछ भी बोलो, ये मिथ मत फैलाया करो। हाँ ना, क्या चाहते हो? जो इस टाइम पे ये औरतें पैदा हुई है ना, मतलब जो जो भी ये ऐसी है ओल्ड एज सारी, नहीं मम्मी टाइप की, जो मेरी मम्मी जैसी कुछ होंगी गिनती चुनती की,
गिनती चुनती वो हमेशा ये बात फैला देते हैं यार, बाल कटवा लो बेटा, ट्रिमिंग करा लो, जल्दी बढ़ेंगे। अरे क्यों बढ़ेंगे जल्दी, यहाँ से बढ़ते हैं क्या? मैं जो एक बात बोल रही थी, गाली जो तुम भी कान बंद कर लो, गाली बोल रही हूँ। गाली नहीं बेटा, मैं प्यार से बोल रही हूँ। जो नेल पेंट मेरी ली थी वापस कर। मैं जो तेरे को इतनी नेल पेंट दी है, तेरे को इतना कुछ दिया है, पिंक पता नहीं कौन से अजीब से पिंक से कलर, और एहसान फरामोशी को कोई औरत से सीखे सीखी है क्या है ये, व्हाट इज दिस यार, क्या है ये? रात को 12 बजे लग रहा था, बूढ़ी आ गई, तेज गुस्सा आ रही थी यार। तुम कैसे से हो यार, ये क्या क्या करते हो व्लॉग में? देख अड़ोस पड़ोस पे क्या सोचे, चीख मार रहा है रात को 12 बजे। तू यार हमारा घर, हम कुछ भी करें, सुकून मिला मुझे तो। चुड़ैल लग रही है, और मैं चुड़ैल, सच में ऐसा लग रहा है चुड़ैल चमकी हुई है जो पेड़ों में से निकल के आई है। तो जी गाइस, टाइम फिलहाल 9:15 हो चुका है। कुक्कू जी का दुख रहा है सर, पता नहीं आज तो इतना सा सही उसको क्या बोलते हैं, उसके हेयर कट हुआ और उसका बताओ सर दुखने लगा, तो वो बगल वाले रूम में जाके सो रही है, और मैं और मम्मी जी यहाँ भाई बैठ के देख रहे हैं गैस लाइट, जो कि अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डार्क है बट अभी तक ठीक है। आखिरी में जब मैं व्लॉग एंड करूंगी तो तुम्हें बताऊंगी, शायद हम आज पूरी ना देखे पर तो हाँ। और फिलहाल मम्मी जी लगा रही है हमारा डिनर, और डिनर में आज कुछ बहुत ही स्पेशल बना है, जो तुम्हें आइडिया लग चुका होगा, जो हम रेलिश से लेकर आए थे। चलो मैं चल के तुम्हें दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये है अपनी मस्त सी पाव भाजी। तो जी गाइस, फिलहाल टाइम हो गया है 11:10, मूवी हमारी अभी अभी खत्म हुई है, और नमस्कार, चल आज तू एंड कर ले, आज मेरा मन नहीं है। क्या किस्मत भाई, क्या किस्मत। तो जी हाँ, अगर मैं मूवी का रिव्यू बताऊँ ना यार, बहुत ज्यादा डार्क थी। एक तो पूरी मूवी में कुल मिला के 10 की लाइट ऐसी, मतलब ऐसे सीन होंगे कि हाँ जिसमें लाइट है, बाकी पूरी अंधेरा है पूरा, पता है। और सस्पेंस को ज्यादा ही है गाइस, मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब वन टाइम वॉच होती ना कुछ मूवीज, तो हम वैसे देख सकते हो कि हाँ चलो एक बार कुछ नहीं है देखने को तो देख लेना, ठीक है। तो जी फिलहाल 10 बज चुके हैं, कुकू और मैं आ गए इस मूवी, ओहो इस ब्लॉग इस व्लॉग को एंड करने, बहुत ज्यादा मूवी हो गई है। देखो मेरे और हाँ, कट गए आज, पता है सबको। और एक और चीज बता दूं, मूवी थोड़ी डिप्रेसिंग भी है, तो अगर तुम जल्दी ऐसी है। हाँ मैं बड़ी डिप्रेसिंग हूँ। और गाइस मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम्हें जल्दी नेगेटिविटी होने लगती ना, तो तुम बिल्कुल मत देखना मूवी। तो हाँ, आज का व्लॉग कैसा लगा और देख लो, उसके बाद हमारा व्लॉग देख लेना, उससे पॉजिटिविटी आ जाएगी, खास तौर पर मेरी वजह से। अब की ना अच्छी बात, अब लग रहा है यहाँ चलो आ गई तो अच्छी बात है, चल निकल। तो जी फिलहाल इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आप अभी तक बने हो तो थैंक यू वेरी मच, एंड वी ऑल विल सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।